हाय गाइस, दिस इज़ पल्लवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला फेस्टिव लुक, येस, विद दिस पिंक ग्लिटरी आईज। अगर आपको जानना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो प्लीज़ आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ये बहुत ही आसानी से मैंने ये लुक क्रिएट किया है, जो आप भी ईजिली कर सकते हैं। कोई भी मेकअप शुरू करने से पहले आप मेक श्योर ज़रूर कीजिए कि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो, वेल हाइड्रेटेड हो। सो मैंने मॉइस्चराइज़र बहुत पहले लगाया था, लाइक 2 घंटे पहले और समथिंग। सो आई फेल्ट कि थोड़ा फेशियल ऑयल यूज़ करके आई शुड स्टार्ट माय मेकअप, सो दैट मेरी स्किन ड्राई, खिंची खिंची, पैची पैची नहीं लगे। सो यहाँ पे मैं कुकुमादी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, फेशियल ऑयल, जो मैंने अभी हाल ही में नायका से लिया है। आई एम नॉट रेडी फॉर रिव्यू येट, क्योंकि अभी 1-2 दिन ही हुआ है मुझे उसे यूज़ करते हुए। सो उसको मैंने लगा लिया है। नाउ आई एम सेटिंग दी प्राइमर। प्राइमर मैं कालाबार का यूज़ कर रही हूँ, एंड जहाँ जहाँ मुझे पोर्स के इश्यूज़ हैं, नोज़ एरिया, चीक्स अराउंड में, मैं वहाँ लगाऊंगी। आप देख सकते हो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, सारा सेटिंग करके कि मुझे ये शूट करना है, ये वीडियो क्रिएट करना है, एवरीथिंग माही को सुला के सब कुछ करके, जब जैसे ही मैं बैठी ना, पूरा करंट ही ऑफ हो गया। आई वॉज लाइक, रियली गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एनीवेज, बहुत गुस्सा आया था मुझे कि ऐसा क्यों हो गया, शुड आई स्टॉप द ये, बट आई सेड कि नो, वीडियो शुड गो। सो फिर आई जस्ट कंटिन्यूड एंड आई होप इट इज़ क्लियर। सो नाउ आई एम यूजिंग द फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन नायका स्किन फील, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द फाउंडेशन, मैं सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैंने अपने नायका हॉल पे लिया था, इसको 1-2 बार ही मैंने यूज़ किया है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन है। दो आई एम नॉट अ फाउंडेशन गर्ल, मुझे लाइक क्रीम, बीबी क्रीम वगैरह इज़ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इतना पोतना पसंद नहीं करती हूँ। बट जितने भी मैंने फाउंडेशन अब तक यूज़ किए हैं, मुझे आई थिंक सो इवन मेबलिन से भी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन ये नायका वाला लगा। सो यू गाइज शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है ये फाउंडेशन। सो वो पार्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगे एंड ये परफेक्टली मैच कर गया। आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल, क्योंकि मैंने ऑनलाइन परचेज किया था तो अबाउट द शेड, बट ये अच्छे से मैच कर गया था मेरे स्किन टोन के साथ। एंड या आई एम ब्लेंडिंग इट थ्रू माई ब्रश, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं टू ब्लेंड इट। कभी भी आप मेकअप कर रहे हो या फिर स्किन केयर कर रहे हो, अपने गले को मत भूलिए, क्योंकि वो एकदम चेहरे के नीचे साथ साथ ही दिखता है एंड लुक्स वेरी ऑड अगर गले पे कोई अलग कलर है एंड चेहरे पे कोई अलग कलर है। सो मेक श्योर कि स्किन केयर एंड मेकअप करते टाइम यू टेक केयर ऑफ बोथ योर फेस एंड योर नेक। सो अभी यहाँ पे मैं आईब्रोज कर रही हूँ। मैंने ये वाला वेट एंड वाइल्ड से लिया था ये आईब्रो पेंसिल, इट्स गुड फॉर बिगिनर, बट मुझे ऐसा लगा ना, बट फटाक से ये ख़त्म हो जाता है यार, एक बार आप इसको शार्पन करो, इसकी इतनी स्मूथ, सॉफ्ट है ना वो जो पेंसिल, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मुझे नहीं लगा वर्थ टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी एंड देन इट गेट्स फिनिश्ड विद इन अ वीक और समथिंग। सो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर सम गुड, यू नो व्हाट यू से, आईब्रो पेंसिल। आप देख रहे हो बीच बीच में लाइन आ रहा है, मैं बोली क्यों आ रहा है, अभी ऑलमोस्ट आई एम डन विथ माई बेस। सो अभी आई एल बी अप्लाइंग कंसीलर। कंसीलर मैं ये NYBAE का यूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ दिस कंसीलर, बट दिस इज़ द ओनली वन आई हैव। पहले तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी कंसीलर की, बट ऑफ लेट मुझे ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, सो इसको लगाना बनता है। तो मैं अपने आईज़ के अराउंड एंड जहाँ जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स है एंड मुझे कंसील करना है, वहाँ वहाँ लगाऊंगी एंड टू गिव अ प्रॉपर फिनिश टू माय आईब्रोज, मैं उसके एरिया के अराउंड भी ये लगाऊंगी। एंड देन विद द हेल्प ऑफ यू नो, मैं ब्लेंडर से कर रही हूँ, आप ब्रश से भी इसको सेट कर सकते हैं। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम लैक्मे एंड मैं उसको ज़्यादातर अंडर आई एरिया में लगाऊंगी, सो दैट आई शेडो के कुछ भी पार्टिकल्स गिरेंगे, सो आई कैन डस्ट इट ऑफ। एंड बहुत हल्का ही मैं अराउंड द फेस लगाऊंगी, बट मोस्टली मैं इसको अंडर आईज ही सेट कर रही हूँ।
अभी मैं एले गर्ल पैलेट से वो लाइट पिंक वाला ट्रांजिशन शेड यूज़ करके क्रीज बिल्ड करूँगी एंड देन आई हैव टू जस्ट ब्लेंड इट टिल आई लाइक मुझे लगे कि हाँ ये प्रॉपरली ब्लेंड हो चुका है एंड दिस इज़ नाउ रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज. सो मैं इसको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. अभी मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लिटरी पिंक वाला शेड यूज़ करके अपने आईलेट्स पे लगा रही हूँ एंड वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ड्राई लगाने के लिए, तो यू हैव टू जस्ट वेट योर ब्रश एंड अप्लाई इट सो अच्छे से लग जाएगा, या तो यूज़ योर हैंड्स आई मीन फिंगर्स. एंड मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी कितना भी आप आई शेडो पैलेट ले लिया, अगर आपके पास मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट नहीं है जब तक इट्स एन इनकम्प्लीट मेकअप किट. आई बिलीव दैट दिस इज़ माई थाट एंड पीपल कैन डिसअग्री विथ मी ऑन दिस, बट मुझे ऐसा लगता है सीरियसली इट हैज़ गॉट एन एंटायर रेंज ऑफ सो मच ऑफ वेराइटी ऑफ कलर्स. यहाँ पर मैं मेबलिन का कलोसल मस्कारा लगा रही हूँ एंड इसके बाद आई विल बी यूजिंग माई फॉल्सीज. फॉल्सीज लगाना मुझे थोड़ा टायरसम जॉब लगता है बिकॉज शुरू के 5-10 मिनट ऐसा लगता है कुछ तो पत्थर सा रख दिया है आँख में एंड देन या इट गेट्स यूज टू योर थिंग. चलो करंट आ गई, भगवान को भी लगाओगी अब कितना परेशान करे इस बेचारी को, अभी करंट दे ही देते हैं एंड टाइम में. सो फाइनली लाइट आ गई एंड मैं यहाँ पे अपना ये क्या बोलते हैं लिक्विड आई लाइनर लगा रही हूँ फ्रॉम NYX एंड देन अंडर आईज़ पे भी हल्का सा मैं वो पिंक शेड स्मज कर रही हूँ. दैट लुक्स रियली कूल, अगर आप नहीं करते हो प्लीज़ डू इट. अंडर आईज़ पे जस्ट थोड़ा सा वो आई शेडो लेके स्मज इट अराउंड एंड देन फिर मैं ये ट्रांसलेशन सूजन पाउडर जो भी मैंने डाला था अंडर आईज़ पे उसको अच्छे से मैं प्रॉपरली ब्लेंड करके फेस चारों तरफ डस्ट आउट कर रही हूँ. अभी मैं अपने स्किन शेड से एक टोन हायर लेके कॉन्टूरिंग कर रही हूँ. अब बहुत हल्का सा कॉन्टूरिंग करने वाली हूँ इस मेकअप पे मैं, बहुत ही लाइट. यहाँ मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ वेरी गुड ब्लश, वो हाईली पिगमेंटेड है ये, सो बी केयरफुल, ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं इसमें. यहाँ मैं हाईलाइटर भी वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर रही हूँ. मैं सारा डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड हाईलाइटर. सो मैं अपने जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं चीक बोन्स, नोज़, फिर आईब्रोज एंड सो सारे एरियाज पे हाईलाइट कर रही हूँ इससे. अभी लिपस्टिक लगाना है तो मैं फिर से थोड़ा सा हल्का मॉइस्चराइज करके उसको वाइप आउट कर लूँगी कपड़े से एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस रेवलॉन का लस्ट्रस लिपस्टिक एंड उसको थोड़ा सा प्रॉपर फिनिश देने के लिए, सिंस मेरे ड्रेस पे ऑरेंज एंड पिंक के ब्लॉक वर्क्स हैं तो मैं इस उस पिंक शेड पे ये मेबलिन का ऑरेंज लिपस्टिक भी यू नो यूज़ कर रही हूँ एंड इट विल गिव अ ब्यूटीफुल शेड. सो ये था मेरा फेस्टिव लुक विथ पिंक आईज. येस, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा, यू गॉट टू नो समथिंग, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दिस विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी एंड आई होप यू रियली एन्जॉय दिस ट्यूटोरियल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.